आज असं शुरू कर जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्रैंग। ड्रैंग असं आम तौर पर लैंगुएज मानते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग ड्रैंग इज द लैंगुएज ऑफ इंजीनियर्स। तुम कित भी जाओ तो दो चार लाइना लगिया होंदिया थो तो पता लग जाए कि वट इट इंडीकेट्स। सब तो पहला असं शुरू करा जेडे साढ़े को वक् वक् तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे ने इंजीनियरिंग ड्रैंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ड्रैंग बोर्ड। आज को मेरे को ड्रैंग बोर्ड पिया है, एक सॉफ्टवुड का बनया ड्रैंग बोर्ड हों। ये अलग अलग साइज़ होंगे ने जेडे कि मैं थोड़ा स्क्रीन के उत्ते बी जीरो बी वन बी टू बी थ्रू लाइक सारे मैं स्क्रीन के उत्ते शो कर दूँगा। ये साइज़ थोड़े मिलीमीटर के होंगे। उस तो बाद हुण जिहड़े साडे कोल डिफरेंट टाइप के आपां इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं साडे कोल होई सी सब तो पहला ड्रैंग बोर्ड। उस तो बाद दे विच साडे कोल नैक्सट साडे कोल आ गया सैट स्केयर्स। तुसीं आम तौर पर क्लासा दे विच यूज़ कीते ने साडे कोल सैट स्केयर। ये जिहड़े सैट स्केयर होंदे ने इन्हां दे विच तुसीं देखदे होंगे आ साडे कोल एक सैट स्केयर है जिहदे विच 90 डिग्री दा एंगल आ, 30 डिग्री दा एंगल आ, 60 डिग्री दा एंगल आ। आ थोड़े कोल दूजा सैट स्केयर आ जिहदे विच थोड़े कोल 90 डिग्री एंगल तो 45 डिग्री का एंगल आ। ये आ साडे कोल ने फ्रेंच कर्व आपां नूं कहिंदे आ, इन्हां दा यूज़ अगे जाके दसांगा किदां करना। आ फ्रेंच कर्व हुंदी आ जदों आपां कोई समूथ कर्व लानी होवे। उस तों बाद कोई साडे कोल नैक्सट साडे कोल हैगा आ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आम तौर दे उत्ते आ साडे कोल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आ। एक्चुअली इंजीनियरिंग दे विच आह इंस्ट्रूमेंट दी बॉक्स दी वरतों होनी चाहिए। इहदे विच की आ तुसीं स्कूल लैवल ते छोटियां प्रकार छोटे डिवाइडर देखे ने। आ साडे कोल की आ वड्डी कंपस हुंदी आ। आ साडे कोल इक वड्डी कंपस है इस तरह इहदे जिहदे विच इत्थे तुहाडे कोल पॉइंटड है, इत्थे आपां लैड भर के इहदे नाल आपां सर्कल लाने जां डिवाइड करने। उस तों बाद विच साडे कोल हैगा आ वड्डा डिवाइडर, ठीक है। उस तों बाद साडे कोल है छोटा डिवाइडर है ते छोटी कंपस है। इस तरह साडे कोल इंक करन वास्ते साडे कोल इंक बो है, इस तरह छोटी इंक बो भी साडे कोल हैगी है। एक साडे कोल डिफरेंट टाइप दे इंस्ट्रूमेंट दे विच ने इन्हां दी वरतों। लेकिन बच्चे आम तौर पर जिहड़ियां छोटियां क्लासां दे विच आपां कंपास जां डिवाइडर यूज़ करदे उह वरत लैंदे ने, लेकिन उन्हां दी इन्नी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आउंदी। ये थोड़ी कोई बेसिक इंजीनियरिंग ड्रैंग आ, ये जो थोड़े को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वो भी थोड़े को बेसिक तो करैक्ट होंगे, ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है। ये साढ़े थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हों तो मार्केट में मिल जाता, यदि वरतों करनी बहुत जरूरी है थोड़े को। उस तो बाद अगला जो थोड़े को इंस्ट्रूमेंट आता है वो साढ़े को हैगा आ स्केल्स। हुण स्केल तुसीं सारियां देखियां ने, सब तो पहला 15 सेंटीमीटर की स्केल देखी है, ठीक है। आ थोड़े को स्केल होंगी है जिहदे एक पासे सेंटीमीटर दूजे पासे इंच लगे होंगे। उस तो बाद साडे कोल वड्डी भी स्केल होंदी आ, साडे कोल हैगी 2 फुट तक की स्केल आ, ठीक है। उस तो बाद तुहाडे कोल स्टील की स्केल आ जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंदी है, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल इंजीनियरिंग दे विच एक साडे कोल ज्योमैट्रिकल ड्रैंग वास्ते स्केलां होंदियां ने, जिहड़े सैट तुहाडे कोल M1 तो लैके M8 तक हुंदा, ठीक है। ये साडे कोल इन्हां दे विच इन्हां स्केलां दा की फायदा आ। इस स्केल दे विच साडे कोल फुल स्केल भी हैगी आ, जिदां तुहाडे कोल आ देखो मेरे कोल हैगी आ M1 स्केल आ। इहदे विच फुल स्केल आ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर नूं फुल स्केल कहिंदे आ। उस तों इलावा साडे कोल 1:2 दी आ, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर है। ये साडे कोल रिड्यूसिंग स्केल जां इनलार्जिंग स्केल्स हुंदियां ने, इहदा दी वरतों बहुत घट हुंदी आ। लेकिन मतलब तुहानू नॉलेज वास्ते पता होना चाहिए कि साडे कोल असीं स्केलां नूं किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्शन का मेन फायदा हुंदा, देखो तुहाडी ड्रैंग शीट छोटी आ, तुसीं एक कमरे का साइज उत्ते बनाउणा, ठीक आ। उस वेले सानू स्केलां नूं कन्वर्ट करना पैंदा जिहनूं आपां रिड्यूस स्केल कहिंदे आ, किसी भी एक्चुअल चीज़ नूं घटा के बनाना। इस तरह साडे कोल इनलार्जिंग स्केल हुंदियां ने, छोटी चीज़ नूं वड्डी इनलार्ज करना। उस तो इन्हां स्केलां तो बाद साडे कोल नैक्सट साडे कोल आ प्रोटेक्टर। तुसीं आम तौर पर इहनूं डी कहिंदे हो, ठीक है। आ साडे कोल पूरा सर्कुलर प्रोटेक्टर भी हुंदा, आ तां साडे कोल समॉल इहनूं आपां डी भी आम कहिंदे पंजाबी दे विच। इहदे विच साडे कोल 0 to 360 तक डिवीजन मार्क कीतियां हुंदियां, असीं कोई भी एंगल इहदी हैल्प नाल बना सकदे हां, ठीक है। और इहदा जिहड़ा घट तो घट आपां 1 डिग्री नहीं, इहदी एक्यूरेसी 0.5 डिग्री तक आ। इन्हां आपां घट तो घट 1.5 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं, जिस तरह तुसीं 90 डिग्री की बजाय 90.5 का बनाना
इस तरह आधे डिग्री तक की एक्यूरेसी साढ़े को इन्होंने हैगी प्रोटैक्ट के उस तो बाद देखो साढ़े को आदि ने फ्रेंच कर्व्स ठीक है। एक फ्रेंच कर्व बारे मैं थोड़ा पहला भी दस्या फ्रेंच कर्व का एक्चुअल की फंक्शन आ कोई साढ़े कोई स्टेट पॉइंट हैगा ठीक है। जो स्टेट पॉइंट तो आप कर्व कन्वर्ट करते तो साढ़े को ना इतने एक जॉइंट जहा आता ये की आ अगर तुम इदा समूथली किसी चीज़ को टर्न कर सकते हो विदाउट लाइक दिस सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस। सो सैट स्क्वेयर के भी लगिया होंगे तो अलग भी साढ़े को एक सैट हों इन्हों आप फ्रेंच कर्व करते हैं बड़ा इंपोर्टेंट इन्हों रोल हों उस तो बाद ड्रैंग शीट। सो साढ़े को ड्रैंग शीट्स ने अलग अलग ठीक है। इन ड्रैंग शीट के अलग अलग साइज़ होंगे ने ए जीरो ए वन ए टू ए टी थ्री ए फोर साइज़ वो थोड़ा मैं स्क्रीन के उत्ते सारे शो कर दूँगा। सो वी हैव द डिफरेंट साइज़ ऑफ द ड्रैंग शीट्स ये साढ़े को ट्रिम्ड साइड भी होंगे तो ये साढ़े को अनट्रिम्ड साइड भी होंगे मतलब कि वो थोड़ा अनट्रिम्ड जो साइज़ होंगे थोड़ा जहाँ व्डा हों ट्रिम्ड साइज हों साढ़े को थोड़ा घट हों भी सारी जी स्पेसीफिकेशन साढ़े को मिलीमीटर के होंगी है दिस इज़ आलसो वेरी इंपोर्टेंट। उस तो बाद ड्रैंग पेंसल्स सो आम तुम तो पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते ठीक है। सो इंजीनियरिंग साड़िया जड़िया पेंसल्स होंदिया सिंगल एच की पेंसिल हार्ड पेंसिल अपन कहने सो ये जो तुम पेंसिल देखो ये स्टैंडर्ड दे को पेंसिल्स होंगे आम तौर पर आपसरा ज कोहेनूर दी आदि देखो ये पिछले पास की स्ट्रेंथ लिखी होंगी आखो एच उस तो इस तरह साढ़े को साढ़े को आ देखो आ दूसरी साढ़े को पेंसिल आदा कि कंपनी ड्रैंग पेंसिल आ टू एच सो यदी लैड की जोड़ी स्ट्रेंथ होंगी हार्डनैस होंगी ये पिछले मार्क की होंगी जदों भी असी किसी पेंसिल घड़ना तो बैक साइड तो इधर सील की इधर नहीं घड़ना दूसरे पास तो इनू घट के असी शार्प कर सकते हैं ये बारे में अगली वीडियो थोड़ी इंस्ट्रक्शन देंगा। सो ये को एच बी पेंसिल का बहुत रेयर यूज़ होंगे एच की पेंसिल टू एच की पेंसिल थ्री एच की पेंसिल फोर एच अप टू नाइन एच तक आपे को हार्डनैस होंगी है। सो पेंसिल तो बाद साढ़े को जाके हैगा रबड़ ठीक है। आम तौर पर रबड़ यूज जिन्होंने आप अरेजर कहने आे को लगे होने आप साफ करने वास्ते ठीक है। अरेजर ये बहुत थोड़े को वधिया क्वालिटी की थोड़े को रबड़ होनी चाहिए है ये ना थोड़े को हैंकर चीफ साफ करने वास्ते एक रुमाल जां कपड़ा होना चाहिए दैन उस तो बाद देखो साढ़े को इनू लाने वास्ते सैलो टेप होंगी जां पिनस होंदिया ने सो अजक आम तौर पर सैलो टेप्स के नाल ड्रैंग शीट में चिपका लें चारे कोर्नर के उत्ते पिनस भी होंगे लेकिन अजक को मोस्टली साढ़े को टेप्स अवेलेबल इन आप सैलो टेप करते हैं जिदे नाल के साड़ी ड्रैंग शीट ये पूरी तरह फिक्स हो जाती है। दैन उस तो बाद साढ़े को आ जाता है ड्राफ्टर। सो आ मिनी ड्राफ्टर है हम साढ़े को पहला टी यूज़ होंगी सी ना साढ़े को एक एक मशीन है इंस्ट्रूमेंट है जिन्होंने आप कहने मिनी ड्राफ्टर दिस इज़ वेरी गुड इसको तुम इतने कोर्नर पर लगा लें इतने फिक्स कर लो ठीक है। आ फिक्सिंग करने तो बाद देखो आते हिंज वाला लेना ज़्यादा वर्केबिलिटी है इस पॉइंट तो ठीक है। इस जगह तो यदि वर्केबिलिटी साढ़े को ज़्यादा सो यदियाँ अगे जाके पैरल आर्म्स ने दैन आे को दो स्केल्स इतने लगे दो आर्म्स उत्ते ठीक है। आ होरीजेंटल स्केल आ वर्टिकल स्केल आप कोई भी स्केल हॉरीजेंटली वर्टिकल पैरल जां किसी भी एंगल पर साढ़े को इतने डिग्री लिखिया ने आप किसी एंगल पर भी कोई लाइन लगा सकते हैं यदा बहुत ही ज़्यादा यूज है दिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो जदों कि लार्ज स्केल पर काम करना साढ़े को एक ड्राफ्टिंग मशीन होंगी काफ़ी वड्डी होंगी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो बड़े बड़े आप नक्शे बनाने लेकिन क्लास वर्क वर्क थोड़े को मिनी ड्राफ्टर का बहुत बड़ा यूज हैगा। सो ये आम तौर पर थोड़े को जो प्लास्टिक का ही बनी होंगी है हाई क्वालिटी का तो ये तो स्केल इधर मैक्सीम थोड़ी 25 सेंटीमीटर उपर 15 सेंटीमीटर तक होंगी है इन चीज़ों लाइनों आप लगा के वधिया काम की क्वालिटी दे सकते हैं। उस तो बाद जाके एक है रोलन ड्रा आ एक नवी चीज़ हैगी रोलन ड्रा ये मेरे को 22 सेंटीमीटर की लेंथ वाला है ये ना तुम हॉरीजेंटल लाइना लगा सकते हो पैरल लाइना लगा सकते हो प्लस ये इस तरह वर्टिकल लाइना लगा सकते हो जो लगा है साढ़े को प्रोटैक्टर भी लगा कोई एंगल के उत्ते कोई सर्कल भी मार्क कर सकते हैं आज थोड़ी डिग्रियां लगिया ने तुम कि डिग्री का एंगल बना वो सर्कल भी ना लाया जा सकता। सो दिस इज़ आलसो वेरी इंपोर्टेंट रोल एंड ड्रा ठीक है। सो इस तो बाद लास्ट हैगा साढ़े को एक सर्कल मास्टर ठीक है।
ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਸ ਦਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 36 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਹੈ, 3 2 ਦਾ, 2.5 ਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਮਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਜਰਮਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੋਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰਸ ਗਿਵਨ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕੋ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ।